देश भर में आरक्षण को लेकर बहस जारी है। इसी बीच नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रणेता और संविधान सम्मान यात्रा निकालने वाली मेधा पाटकर ने आरक्षण पर बयान दिया है। देखिए रिपोर्ट। बीते 2 अक्टूबर गांधी जयंती को दांडी से दिल्ली के लिए अपने संविधान सम्मान यात्रा को लेकर निकली सामाजिक कार्यकर्ता मेघा पाटकर रतलाम पहुंची, जहां उन्होंने आरक्षण को लेकर बयान दिया। मेघा पाटकर ने कहा, देश में ऐसा माहौल बनना चाहिए कि आरक्षण की आवश्यकता ही ना पड़े। पाटकर ने कहा कि आरक्षण को खत्म करने के लिए समतावादी पॉलिसी होना चाहिए, सभी को समान विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जाति के आधार पर की गई कोई भी हिंसा संविधान के खिलाफ है। लेकिन आरक्षण कुछ समय की बात होनी थी और आज भी ये होना चाहिए कि उसकी जरूरत न रहे, ऐसी स्थिति देश में पैदा होना चाहिए जिसके लिए हर क्षेत्र में यूनिवर्सल पॉलिसी समतावादी होना ये जरूरी है। उसकी कोई बात नहीं कर रहा कि क्यों नहीं सबको रोजी रोटी कपड़ा मकान दे सकते हैं, क्यों नहीं शिक्षा स्वास्थ्य बिना बीमा के और रोजगार भी निश्चित कर सकते हैं। तो ऊर्जा हो कि जल हो, इसका नियोजन भी विकेंद्रित हो और विकास का पूरा नियोजन। वहीं मेघा पाटकर ने मंडियों की व्यवस्था और किसानों की उपजों के उचित दाम को लेकर सरकार पर निशाना साधा। स्वामीनाथन आयोग की मांग करते हुए सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। तो ये बहुत ही गंभीर स्थिति है और मंडी की व्यवस्था से लेकर इस प्रकार से उपज के दाम सही में लगाने के बदले फिर से 2 अक्टूबर को किसानों की इकाई जी के नेतृत्व में चली यात्रा पर जो हिंसक हमला किया गया और उसके बाद वो दिल्ली तक पहुंचे तो फिर से एक टुकड़ा फेंका गया, गेहूं का दाम 105 रुपया जैसे बढ़ाया उदाहरण के, लेकिन वो हमें मंजूर नहीं है। हमको अगर स्वामीनाथन आयोग के आधार पर घोषणा पिछले चुनावी घोषणा पत्र में थी तो अब केवल घोषणा नहीं चाहिए, उसका अमल चाहिए। उसके बिना वोट मांगने के लिए आने में शर्म लगनी होनी चाहिए, उनको खुद को एक प्रकार की संवेदना होनी चाहिए। बता दें कि मेघा पाटकर की इस यात्रा में देश के अलग अलग राज्यों के संगठनों के लोग शामिल हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में मजदूरों और किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य किसानों और मजदूरों को उनका सही हक दिलवाना और जागरूकता लाना है। कुल मिलाकर चुनाव से पहले मेघा पाटकर राजनीतिक दलों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, रतलाम।